14.1। चलो नेक्स्ट, ये देखो ये एक्चुअली वेक्टर का क्वेश्चन है, तो लॉज ऑफ मोशन में आया है, पर एक्चुअली किसका क्वेश्चन है ये, वेक्टर का। एक बॉडी है ठीक है, उस पर तीन फोर्स लग रहे हैं, 2 न्यूटन का, 1 न्यूटन का, 4 न्यूटन का, और इनको वेक्टर से दिखाया गया है स्पेस में। अब हमको ये बताना है कि टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली इन वाई एक्सिस। सोचो ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, तीनों लग रहे हैं, लेकिन जो रिजल्टेंट होता है वो सिंगल फोर्स होता है। रिजल्टेंट तो सभी हजारों वेक्टर लगे, नेट फोर्स तो एक ही वेक्टर होगा ना यार। तो इन सभी का जो रिजल्टेंट है वो वाई एक्सिस में हो, मतलब एक्स एक्सिस में रिजल्टेंट जीरो है, ऐसा कह रहा है कि टू हैव द रिजल्टेंट अलोंग वाई मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड। मतलब एक्स एक्सिस में मैं कितना फोर्स और एड कर दूं जिससे एक्स एक्सिस में रिजल्टेंट जीरो हो जाए, और जो भी रिजल्टेंट है वो वाई एक्सिस में ही आए, नेट फोर्स, नेट फोर्स वाई एक्सिस में आएगा तो एक्स एक्सिस में नेट फोर्स जीरो होगा। उसके लिए मुझे अलग से फोर्स ऐड करना पड़ेगा, और वो फोर्स मैं कितना ऐड करूं, आगे बात समझ में। चलो तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं मान लो ठीक है यहीं पे करूं, देखो यहां पे आपको दिख रहा है, चलो यहां ये 1 न्यूटन है ठीक है। अगर ये 1 न्यूटन है तो 1 न्यूटन, ये 60, ये 30 है, तो ये भी कितना हो गया, ये 60 हो गया, तो ये भी 60 हो गया ठीक है। ये 30 है तो ये 60 है, तो ये भी 60 हो गया ठीक है। तो 2 का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, 2 cos 60 ठीक है, और एक कंपोनेंट नीचे आएगा 2 sin 60। ये 2 का रिजोल्यूशन हो गया, 1 का रिजोल्यूशन, एक कंपोनेंट इधर आएगा 1 cos 60। दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा आगे कर दूं इसको, हाँ चलो। ये वन, ये जो 2 न्यूटन था, अगर ये 30 है तो ये 60 है, तो ये 60 है, तो ये 2 cos 60 इसका कंपोनेंट हो गया ठीक है। और ये 1 का कंपोनेंट इधर आ जाएगा 1 sin 60, जो कि हमें ज़रूरत तो नहीं है पर बना ही दो। 4 न्यूटन जो इधर जा रहा है उसके 2 कंपोनेंट आ जाएंगे, एक एक्स में एक वाई में, तो 4 cos 30 वाई में चला गया, और इधर आ जाएगा 4 sin 30। अब जो एक्स एक्सिस में 3 फोर्स लग रहा है, एक 2 न्यूटन का कंपोनेंट 2 cos 60, एक 1 न्यूटन का कंपोनेंट 1 cos 60, एक 4 न्यूटन का कंपोनेंट 4 sin 30 ठीक है। तो एक्स एक्सिस में 3 फोर्स लग रहे हैं। अब कंडीशन ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस में रिजल्टेंट जीरो हो तो मैं कितना फोर्स ऐड कर दूं। चलो मान लिया मैंने इधर एक नया फोर्स एक्स न्यूटन ऐड कर दिया जिससे रिजल्टेंट जीरो हो गया एक्स एक्सिस में, लेट एक्स न्यूटन हमने ऐड कर दिया, लेट एक्स न्यूटन एडेड ठीक है, और जो रिजल्टेंट है नेट समेशन ऑफ फोर्सेज अलोंग द एक्स एक्सिस दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब एक्स एक्सिस में नेट फोर्स जीरो तभी होगा जब इधर के फोर्सेस पॉजिटिव एक्स के इधर बैलेंस करेंगे। तो इधर कितने लग रहे हैं, एक्स न्यूटन प्लस 1 cos 60 प्लस 2 cos 60 मस्ट बी इक्वल टू 2 sin 30, मस्ट बी इक्वल टू 2 sin 30। क्लियर है ना, इधर के फोर्सेज इधर को बैलेंस करेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लोगे तो x मिल जाएगा, तो x की वैल्यू x और वो cos 60 sin 30 1/2 प्लस 2 sin 30 1/2 cos 60 sin 30 2 sin 30 1/2। तो ये 1/2 जो है, ये 2 ने 2 को, ये 2 ने 2 को ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x प्लस 1 प्लस 1 प्लस इक्वल टू 1 ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2x है दैट मस्ट बी इक्वल टू -1, x की वैल्यू माइनस मतलब 0.5 न्यूटन। माइनस मतलब ये है कि आप इसको इधर ऐड करो तब जाके बैलेंस होगा, तो 1.5 जो है मैग्नीट्यूड में आपको इतना तो ऐड करना ही पड़ेगा 1.5 न्यूटन, और आपको इधर की